जीमेल को प्रिंट कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आपके पास भी कोई जीमेल है यानी कोई मेल आया हुआ है, मेल पे कोई मैसेज आया हुआ है और आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। यहाँ पर मैं आपको मोबाइल और कंप्यूटर दोनों से बताने वाला हूँ, तो आप इस तरीके को फॉलो करें। सबसे पहले आप अपना प्रिंटर वगैरह कनेक्ट कर लीजिए अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मोबाइल से कैसे करना है, फिर आपको बताता हूँ कंप्यूटर से कैसे करना है। तो मोबाइल में उस मेल को ओपन कर लीजिए जो आप प्रिंट करना चाहते हो। तो ये वाला मेल है हमारा फेसबुक की तरफ से। तो यहाँ पे आपको मेल को ओपन करने के बाद ऊपर आपको मिल जाएंगे 3 डॉट, इस पर आपको टच करना है और यहाँ पर आपको मिलेगा प्रिंट, इस पर टच करें और यहाँ पर आपका प्रिंटर कनेक्ट होना चाहिए। आप यहाँ पर सेव एज PDF दिखाई देगा या प्रिंटर दिखाई देगा, जैसे कि ऑल प्रिंटर या आपका प्रिंटर का नाम। तो यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे प्रिंट का निशान बना हुआ आ जाएगा। अगर आप कंप्यूटर से करना चाहते हो तो आपको कंप्यूटर में सबसे पहले वाला मेल ओपन कर लेना है जो आप प्रिंट करना चाहते हो, और यहाँ पे आपको फिर से एक प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा इधर की तरफ, आप देख सकते हैं। आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप इस पेज पर पहुँच जाओगे कुछ इस तरीके के। वरना आप अपने मेल पे आइए और Ctrl+P कर दीजिए, तब भी आप इस पेज पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे आपका मेल शो करा देगा, आप देख सकते हैं। यहाँ से आप इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे आपको नीचे की तरफ मिल जाएगा प्रिंट। आप प्रिंट पे क्लिक करें और आपका प्रिंट निकल जाएगा। यहाँ पे आपका मेल आ जाएगा, सब कुछ डिटेल आ जाएगी, आप देख सकते हैं, और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही।